सामने इटालियन मदर को पैदा हुए राहुल गांधी और प्रियंका वाद्रा को इंडियंस एक्सेप्ट किया है। हम इंडियंस का दिल बड़ा है, इट शोज आवर डाइवर्सिटी इज फार बिगर देन एनीवन एल्स। इसलिए हम कांग्रेस सत्यनारायण गंगाराम पित्रोड़ा का निषेध करते हैं। कांग्रेस वालों का हमेशा यही रवैया रहा है कि वो लोग हमेशा यही करते हैं कि कंपेयर करना, ये करना, उन्होंने कभी काम ही नहीं किया इंडिया में। इसलिए उनका जब भी पावर था तभी भी इंडिया बैकवर्ड था। अभी आज के टाइम पे जब इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो अभी भी वो कंपेयर ही कर रहे हैं हमें दूसरों के साथ। वो फेयर है तो उसका मतलब ये नहीं है, आप इसको डिवाइड एंड रूल मत करो, सब जनता एक है भारत की। सैम पित्रोदा का जो स्टेटमेंट आया है कि देश के अलग अलग कोनों से जो लोग हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों की तरह दिखते हैं, उससे मुंबई की जनता का क्या कहना है, इस पर कुछ युवा जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोगों से मैं लेना चाहूंगी स्टेटमेंट्स। कुछ सैम पित्रोदा ने एक कंपेरिजन किया है कि भारत में ईस्ट वाले जो लोग हैं वो चाइनीज दिखते हैं, साउथ वाले अफ्रीकी दिखते हैं, वेस्ट वाले अरब दिखते हैं, नॉर्थ वाले व्हाइट स्किन के दिखते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिडन फर्नांडो। बेसिकली मेरा ओरिजिन तमिलनाडु से, बट मेरे पैदाइशी और परवरिश पूरी महाराष्ट्र में हुई है। जैसे सैम पित्रोड़ा, जिनका असली नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोड़ा, इससे मालूम पड़ता है डाइवर्सिफाइड तो खुद है, क्योंकि एरिया के हिसाब से उन्होंने अपने नाम चेंज कर दिया कंट्री के हिसाब से। और मुझे प्राउड है, मैं डार्क हूँ पर मैं इंडियन हूँ, मुझे प्राउड है। और ये रेसिज्म ना करें हमारे इंडियंस में। जब हमने इटालियन मदर को पैदा हुए राहुल गांधी और प्रियंका वाद्रा को इंडियंस एक्सेप्ट किया है, हम इंडियंस का दिल बड़ा है, इट शोज आवर डाइवर्सिटी इज फार बिगर देन एनीवन एल्स। इसलिए हम कांग्रेस सत्यनारायण गंगाराम पित्रोड़ा का निषेध करते हैं। बिल्कुल, एक बड़ी अहम बात भी है कि जब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी को एक्सेप्ट किया गया है तो लोगों का कंपैरिजन जो भारतीय हैं उनका अन्य देशों से क्यों किया जाए। आप कहां से आते हैं, आपका क्या नाम? माय नेम इज दर्शन पड़ाया। मैं बेसिकली गुजरात से हूं, बट मैं फोर फादर्स हैं, हम बॉम्बे में रहते हैं हम लोग। तो ये जो सैम पित्रोड़ा है ये बेसिकली कांग्रेस के लीडर है, तो कांग्रेस वालों का हमेशा यही रवैया रहा है कि वो लोग हमेशा यही करते हैं कि कंपेयर करना, ये करना, उन्होंने कभी काम ही नहीं किया इंडिया में। इसलिए उनका जब भी पावर था तभी भी इंडिया बैकवर्ड था। अभी आज के टाइम पे जब इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो अभी भी वो कंपेयर ही कर रहे हैं हमें दूसरों के साथ, ये नहीं सोच रहे कि हम इंडिया को और आगे कैसे लेके जाए बस। और तो उनका नाम भी उन्होंने वैसा रखा है सैम पित्रोड़ा, वो भी गुजराती है, वो खुद को अभी अरब मानता है क्या? वो गुजराती है, हम नॉनवेज भी नहीं खाते, वो अरब में तो वहाँ पे क्या क्या खाते हैं वो लोग। तो उनका बोलने का मतलब ये है कि हम गुजराती होके भी हम नॉनवेज खाएंगे अरब जैसा, वहाँ पे बुरखा पहनते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारी औरतों को बुरखा थोड़ी पहनवाते हैं। बिल्कुल। आप जनाब कहाँ से हैं, क्या नाम है, किस प्रांत से आते हैं? मेरा नाम देवेंद्र गुप्ता है, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे हूँ। मेरे को फादर यहाँ पे लास्ट 50 इयर्स प्लस से रह रहे हैं। जैसे कि उनका नाम कुछ बताया गया सैम पित्रोड़ा, वो नाम में ही उनके ऑलरेडी डाइवर्सिटी दिख रही है। सैम एक क्रिश्चियन नाम है और पित्रोड़ा एक राजस्थानी नाम है। अभी जैसे कि भाई ने बताया कि उनका रियल नेम कुछ और है, तो जो उन्होंने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी अपने अभी उर्फ नाम में किया है सैम पित्रोड़ा, वैसे ही वो अपने दिमाग में रखे, क्योंकि हमको बोला गया हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, तो हम वैसे ही रहना चाहेंगे और वैसे ही है। इनके बोलने से, इनके बरगलाने से कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि ये जो उन्होंने कंपैरिजन किया, इसका खुद निषेध प्राइम मिनिस्टर ने भी किया है कि रेसिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कांग्रेस का काम पहले से वही आया गया है रेसिज्म के खिलाफ और लोगों को डाइवर्ट करना एज पर देयर कास्ट, तो ये अब नहीं चलने वाला है। आप कहां से, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलेश महाजन है, मैं महाराष्ट्रीय हूं और यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे ब्रॉट अप हुआ। देखिए, इन्होंने जो स्टेटमेंट किया है ना, तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और भारत में हम लोग किसी को कंपेयर नहीं करते, हम सब एक है। अपना अगर किराई पे कट करे तो ब्लीड रेडी होगा, वो अलग नहीं होगा, तो देयर इज नो मैटर ऑफ स्किन टोन। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर हम ईस्ट की बात करें जिसमें नॉर्थ ईस्ट आता है, तो लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, ये बोलना कितना सही है, या फिर साउथ इंडियंस को अफ्रीकी बुलाना कितना सही है? देखिए, वो ये जो चीज है वो मौसम पे, क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करती है कि उनका टोन क्या है। उनका अभी साउथ में धूप ज्यादा है तो वो डार्क है, नॉर्थ में ज्यादा बर्फ है, ठंडा ये है मौसम, तो वो फेयर है, तो उसका मतलब ये नहीं है, आप इसको डिवाइड एंड रूल मत करो, सब जनता एक है भारत की। जनता एक है, और साफ तौर पर ये संदेश जो है ये कांग्रेसियों के लिए बड़ा है कि लगातार लोगों को रंग या धर्म के आधार पर न बांटा जाए। हालांकि अन्य आम जनताएं भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे, कोशिश करेंगे बात करने की। दादा आप कहाँ से हैं? अच्छा, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से भाई साहब?
सारे यहीं से हैं, भारतीय हैं आप लोग। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई अफ्रीकी या चाइनीज बुलाएगा तो आप इसको मंजूर करेंगे? नहीं। इतने सालों से धर्म के ऊपर भारत में वोट भी गिरते हैं, नेता भी चुने जाते हैं, कांग्रेस के नेता ईस्ट वालों को चाइनीज और साउथ वालों को अफ्रीकी बुलाते हैं, आपको सही लगता है? नहीं, गलत है। गलत है, आधार नहीं बटना चाहिए रंगों के आधार पर? नहीं। ये देखिए आम जनता की आवाज, हमने युवाओं को सुना, इन्हें भी सुना, साफ तौर पर ये कहना है कि रंग और धर्म के आधार पर लोग नहीं बटने चाहिए। और पिछले अन्य कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि धर्म की राजनीति, रंग की राजनीति होती आई है, लेकिन भारत के अंदर खास तौर पर अगर बात की जाए तो रंग के आधार पर न लोगों को बांटा गया है, न उनके बॉर्डर, सीमा और प्रांत के आधार पर उनको बांटा गया है। और इसीलिए हमने चार अलग अलग प्रांतों के लोगों से बात की है और सभी ने सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट का विरोध किया है। मनोज हलवाई के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए मुंबई से।